हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इंडिपेंडेंट हाउस देखने के लिए आए हैं जो कि 1000 स्क्वायर फीट में बनाया हुआ है। नीचे की तरफ पार्किंग 1 BHK और ऊपर की तरफ एक 2 BHK बनाया हुआ है, उसके ऊपर टेरेस है। 2 BHK बनाना बाकी है, अभी स्ट्रक्चर सिर्फ बनाकर छोड़ा हुआ है। नीचे का 1 BHK पूरी तरह से रेडी है। ये इनसाइड लेन में है, जैसे कि आप आजू बाजू में देख रहे हो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं यहाँ पर करेंटली, और काफ़ी ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, लोग आ चुके हैं यहाँ पर रहने के लिए। इसी के आगे वाला प्लॉट भी एम्प्टी है, करीब 5 घंटे का है। तो आइए ये प्रॉपर्टी हम लोग अंदर से देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग छोड़ा हुआ है, ये जहाँ पर आपके 2 4-व्हीलर आराम से पार्क हो सकते हैं। फैब्रिकेशन का ये पूरा काम किया हुआ है। ये वाटर पंप दिया हुआ है, यहाँ पर बोरिंग वाटर अवेलेबल है। ये इसका वाटर टैंक है। ये अंदर एंट्री करने के बाद ये है इसका हॉल। थोड़ा आगे की तरफ में किचन, जहाँ पर एल शेप प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ऊपर लॉफ्ट है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। किचन साइज ऑलमोस्ट 10x10। आगे जाने के बाद में यहाँ पर टॉयलेट और वॉशरूम यहाँ पर कॉमन किया हुआ है, जिसमें वेस्टर्न टॉयलेट है, गैस गीजर बिठाया हुआ, और यहाँ पर एक इंडियन टॉयलेट दिया हुआ है। तो इंडियन और वेस्टर्न दोनों आजू बाजू में ही ये दिया हुआ। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के लिए भी ये एक बालकनी दी हुई है, जहाँ से पीछे की तरफ में आपको ये सारा ओपन व्यू मिलता है। यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड भी है नेटेड, जिसे हम ऊपर से देखेंगे फर्स्ट फ्लोर से। और यह है इसका बेडरूम। यहाँ पर भी एल शेप में लॉफ्ट दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। इस प्रॉपर्टी का फ्लैट के डायमेंशंस और साइज़ और बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।